नहीं, एक हमने मॉडिफिकेशन किया, आप लोग सब देखेंगे हैरान हो जाएंगे। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है इन मोहतरमा पे। आज जो है इनको स्टॉक हालत फैलाने के बाद आज हम इनको फिर दोबारा मॉडिफिकेशन आज इसकी स्टार्ट करते हैं। ये इतना गंदा हुआ है कि आप और मेरी सोच है। कुछ मॉडिफिकेशन के लिए मैंने इसकी बैक लाइट और फ्रंट लाइट जो है वो मैंने तैयार होने के लिए, फ्रंट अभी हमारे पास ये है बैग में। आज जो है हमें ये भाई साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आज जो है ना इनकी मॉडिफिकेशन हमने स्टार्ट करनी है। आज चेंज हो जाएगा सब कुछ। इसके लिए यकीन माने कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठाऊँ सुबह कि यार जाऊँ, क्योंकि काम आज इसके बहुत लंबे हैं। तो आज जितनी मॉडिफिकेशन हो सकी हम लोग उतनी करेंगे इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा और हम भी चलते हैं हम बाहर की तरफ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ताज़ा मारते हैं एटीएम। आया था मैं इसकी मॉडिफिकेशन करने, लेकिन खोल के इसका मैं इंजन बैठ गया हूँ। इसके इंजन किया जो एक एक पुर्जा मैंने ये सीले जैसे क्या जानते हैं, हमने इसकी मॉडिफिकेशन की नहीं की, लेकिन अपनी एक हमने मॉडिफिकेशन की, आप लोग सब देखेंगे हैरान हो जाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हम दोनों ने गंजे खाए हैं, इसने और इसने टोपी पहन ली है, मैंने कोई टोपी जो भी नहीं पहनी। ये हमारा उस्ताद है जिसने हमें गंजे किया है। आज हम दोनों भाई गंजे हैं, उसकी खुशी है, हम घर में मुर्गी पिलाएंगे, पार्टी करेंगे हम आज उसकी उसके गंजे होने की खुशी में। ये अंकल हम लोग यहाँ से पक्का चिकन लेते रहते हैं, छोटा दही हाथ में लेके खड़ा हुआ। अच्छा जब गंजे करा लेते ना इसकी हमको यहाँ से आ गया। लड़का इतने दिन को हमें मुबारक नहीं, अभी रात को आया हमें मुबारक देने। तो मिठाई के थे नाल, मिठाई बंदा आना बंदे गया मुबारक। इसने क्यों जुलम की थे, इसने क्यों गंजा करा। टोपी लाना है नहीं भाई, यार नमाज पढ़ के हैं। ओए कसम बड़े मजे नहीं ठड़ी, मैं आप पे हाथ लाना पहनो, बड़े मजे नहीं ठड़े, सही ठंडक महसूस होनी है। नाई गए ना, नाई इन करना जिस टाइम बाल कट रहा ना सदी शगिर्दे बना के इसने सिर चेक कर, कोई एक बार रहे हुए कट दे, मैं कड़ा छोड़ा ही रह गया। नहीं नहीं अभी और सुनिए, बारीकी यहाँ तू सही। ब्लॉग हमने स्टार्ट किया था गांव से, और गांव से आते थे हम लोग इधर पहुंच के मुमताज सिटी। ये एयरपोर्ट वाली हाईवे है हमारी, तो ये है सामने मुमताज सिटी। तो अभी रुखसत होने का वक्त आ गया, हमारी वापसी का वक्त आ गया है। तो आज मैंने आना था वापस, वैसे तो मैं मंडे को आ जाता हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी इसलिए आया हूँ कि यार ठंड हो जाती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ नजर आएंगी, इसके भी मैं सारे पार्ट्स ले आऊँगा, जो जो मुझे चाहिए थे वो वहाँ से उस वक्त मुझे मिल नहीं रहे थे। इंशाल्लाह रावलपिंडी से हर एक चीज़ मिल जाती है। मैंने उस वक्त ये कहा था, मैं यार शायद उधर से मिल जाए,
क्योंकि उस दिन मैंने जल्दी जाना था तो इस वजह से मैं नहीं ले गया। और दूसरी बात यार कि ये जो मैंने टिंडी कराई है ना, ये इसके भी कोई ख़ास वजह है। इस तरह नहीं तो मैं कोई कदम इस तरह उठाता नहीं हूँ। तो ये इस तरह था कि ना मेरे ना बाल गिरना शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा ना, जब लंबे बाल रखो ना उसमें यह है कि ना खुश्की हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें इनकी जड़ों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई थी, उसकी वजह से खुश्की की वजह से बाल गिरना शुरू हो गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ना टिंडी नहीं कराई हुई थी, मैंने कहा चलो यार गंजा करा लेता हूँ। गंजा कराने से यह है कि दोबारा जो नए बाल निकलेंगे वो ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी तरह से निकलेंगे। मैं गंजा करा के जब आया था, असर का वक्त हो रहा था ना, तो मैं ना नमाज़ पढ़ने ना मस्जिद में गया, तो सारे बच्चे ना हमारे मोहल्ले के ना मुझे देख के ना हंस रहे थे ना, तो बाबा जी हमारे मस्जिद के ना, तो वो कहते हैं यार तुम लोग क्यों हंस रहे हो ना, जो नाई है ना उसको ना बाल चाहिए थे, उसने इसके बाल रख लिए हैं। और दूसरा कहते हैं कि इसके बाल मतलब इतने बड़े और इतने सिल्की थे कि टोपी नहीं खड़ी होती थी इसके बालों पे, तो अब ये है कि ना इसके बालों पे टोपी सही खड़ी होगी। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं हम लोग एंड, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।